आज हम इस प्रकार का रंग बिरंगा एक डोरमेट बनाएंगे अंडाकार साइज का। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है, पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। इसको मोड़ने पर यह पता चल जाता है कि डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। आज हम 5 कलर की पट्टियाँ ली है और इन पट्टियों की चौड़ाई 4 इंच ली गई है और सभी पट्टियाँ साड़ी की ली गई है और सभी पट्टियों की लंबाई साड़ी की लंबाई के अनुसार कैंची की सहायता से काट लेते हैं। सभी पट्टियों को हिस्से को फोल्ड कर लेते हैं और सुई धागे की सहायता से सिलाई कर लेते हैं। पट्टियों को पास पास में करते हुए इस प्रकार से सिलाई कर लेते हैं। ऊपर एक सपोर्ट के लिए बाट रख देते हैं। अब फर्स्ट पट्टी को उठाते हैं और नेक्स्ट अगली पट्टी को दबाते हैं और उस अगली पट्टी को उठाते हैं और उस नेक्स्ट अगली पट्टी को दबाते हैं उसको उठाते हैं। कहने का मतलब एक पट्टी को दबाते हैं और एक को उठाते हैं, एक को दबाते हैं, एक को उठाते हैं। वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार नंबर वाइज से पट्टियां उठाते हैं और पट्टियों को उठाते दाबते और उठाते हुए एक रस्सी की गुथाई कर रहे हैं। उंगलियों की सहायता से सेटिंग करते रहते हैं। उंगलियों की सहायता से सेटिंग करनी पड़ती है। एक को दबाते हैं, एक को उठाते हैं, एक को दबाते हैं। पट्टी ली थी, अब पट्टी ली है हमने। अब एक को दबाया है, इसको उठाया है, इसको दबाया है और उसको उठाया है ऊपर। इस प्रकार से एक रस्सी की उठाई कर लेते हैं। जितना बड़ा डोरमेट बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से हम एक रस्सी की उठाई कर लेते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। सपोर्ट के लिए एक बार रख लेते हैं। अब इसको गोलाई देंगे। एक अंडाकार साइज का डोरमेट बना रहे हैं
तो यहाँ से इसको गोलाई देंगे। अगले फंदे में से पट्टी को निकाल रहे हैं गोलाई बनाने के लिए। एक को दबाते हैं, एक को उठाते हैं, प्रक्रिया भी करनी पड़ती है। इसको उठा दिया, अब इसमें नेक्स्ट अगले फंदे में से इस पट्टी को निकालेंगे ऊपर से नीचे की ओर। अब पिंक कलर की पट्टी को ले रहे हैं, उठा रहे हैं, ग्रीन को दबाएंगे, एक को दबाते हैं, एक को उठाते हैं और अगले नेक्स्ट फंदे में से पट्टी को ऊपर से नीचे की ओर निकाल लेते हैं। इस प्रकार से एक लाइन पूरी कर लेते हैं। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। अब गोलाई आने पर एक बार रख देते हैं, वही प्रक्रिया करते हैं। पट्टी को उठा रहे हैं, एक को दबा रहे हैं, एक को उठा रहे हैं, एक को दबा रहे हैं, एक को उठा रहे हैं और नेक्स्ट अब एक सेफ्टी पिन अटैच कर लिए गए हैं, जिसे सेफ्टी पिन की सहायता से पट्टियां निकाल रहे हैं और नेक्स्ट अगले फंदे में से पट्टी को निकाल रहे हैं। आप ग्रीन को उठाई है, ग्रीन को और ग्रीन की पट्टी से उठाई करते हुए और अगले फंदे में से ग्रीन को निकाल रहे हैं। बहुत ही सिंपल है ये बनाने का, एक बार तरीका आना चाहिए आपको। एक राउंड पूरा होने के बाद में जब फंदों का आकार घट जाता है तो अब एक फंदे में एक ही पट्टी को निकाल रहे हैं। जब फंदों का आकार घट जाता है तो एक फंदे में से दो बार पट्टी को निकालेंगे, जिससे फंदों का आकार छोटा हो जाएगा और डोरमेट में ढोल पड़ने की संभावना कम हो जाएगी।
और डोरमेट का आकार भी बढ़ जाएगा। दो पट्टी द्वारा डोरमेट की गुथाई करते हैं, एक सिंगल एक पट्टी द्वारा डोरमेट की गुथाई करते हैं, उसी नियम के अनुसार यह भी पांच पट्टी द्वारा हम डोरमेट की गुथाई कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। जब एक राउंड पूरा हो जाएगा तो नेक्स्ट दूसरे राउंड में हम एक फंदे में दो फंदे निकालेंगे। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है और इस प्रकार हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। रंग बिरंगा डोरमेट बनकर तैयार पट्टियों द्वारा तैयार हो जाता है। पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट को हाफ करने पर यह पता चल जाता है कि डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है।